नमस्कार। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए हमने पेड कोर्स चलाया हुआ है, साथ ही साथ समय समय पर हम लोग बहुत से फ्री वीडियो भी यूट्यूब पर डालते हैं। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जो राजस्थान के हैं, क्योंकि राजस्थान की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, 260 नंबर का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है जो प्योरली सब्जेक्ट बेस्ड होता है, और 200 नंबर का प्रथम प्रश्न पत्र होता है जिसके अंदर राजस्थान की संस्कृति इतिहास, साथ ही भारतीय संस्कृति इतिहास भूगोल आदि के टॉपिक्स भी आते हैं। देखिए, मैं शारीरिक शिक्षा विषय का जानकार हूँ। शारीरिक शिक्षा विषय के अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा अध्ययन किया है, जिसको संपूर्ण मेहनत के अध्ययन से आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से विद्यार्थियों की यह डिमांड है कि जिस तरह के ट्रिक्स मैं शारीरिक शिक्षा के कठिन विषयों के लिए आपके लिए बना रहा हूँ, ऐसी ही कुछ ट्रिक्स फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग दें। हालांकि यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन विद्यार्थियों की मांग के आगे मैं नतमस्तक हूँ। तो देखिए, आज नॉर्मली मैंने यह डिसाइड किया कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो प्रश्न ज़्यादा आते हैं, उन्हीं प्रश्नों के ऊपर कुछ सरलतम ट्रिक्स आपके बीच में फर्स्ट पेपर की भी बीच बीच में दिया करूँगा। अब एक नॉर्मली प्रश्न आता है कि जो मुगल बादशाह थे अकबर, उनका शारीरिक शिक्षा के अंदर भी काफ़ी योगदान था। मुगल बादशाह अकबर कुश्ती का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और वह कुश्ती के लिए अच्छे मुक्केबाज ईरान से मंगवाया करता था। कबूतरबाजी का भी शौकीन था। ये सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम के अंदर शारीरिक शिक्षा में पूछे जाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के एग्जाम में जब ये पूछे जाते हैं तो इसी के रिगार्डिंग प्रथम प्रश्न पत्र में अकबर से रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक ऐसी ही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अकबर के दरबार के अंदर कहा जाता है कि 9 बहुत अच्छे जानकार लोग थे अलग अलग विषय के, जिन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था और उन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था। अब ये नवरत्न कौन कौन थे, इनको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है? बात बात पे एम डी एच, बात बात पे एम डी एच। अब इसको आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इसको अंग्रेजी में लिखना है। बात बात बी ए टी, बात बी ए टी, बात पे, पे को हिंदी में लिख लीजिए, एम डी एच इसे भी अंग्रेजी में लिखना है। तो बात बात पे एम डी एच, तो देखिए इसको आप लिख लीजिए बी ए टी पे, पे को हिंदी में लिख लीजिए, पे साइलेंट रहेगा, एम डी एच। अब ये क्या थे, देखिए बात बात पे एम डी एच, बी फॉर बीरबल, ए फॉर अबुल फजल, टी फॉर तानसेन, अगेन बी फॉर भगवान दास, ए फॉर अब्दुल रहीम खाने खाना, टी फॉर टोडलमर, पे साइलेंट रहेगा, एम डी एच, एम फॉर मानसिंह, डी फॉर मुल्ला दो प्याजा और एच फॉर हाकिम हुकाम। तो ये वो ट्रिक है जो 9 नाम आप लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं। बात बात पे एम डी एच, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडनबल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा और हाकिम हुकाम। अब ये लोग कौन थे, सभी लोग जानते हैं, बीरबल महेश दास जिनका असली नाम था, अकबर के युद्ध रणनीतिकार थे और ये दीन ए इलाही को अपनाने वाले प्रथम हिंदू कहे जाते हैं, कई जगह हिंदू सम्राट भी लिखा हुआ है। अबुल फजल ये अकबर के प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी वो पुस्तकें लिखी थी जिसमें अकबर का बखान किया गया था। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे और अकबर ने उनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास, अकबर देखिए पहली बार हिंदी उपाधि उन्होंने दी थी कंठाभरण वाणी विलास, उन्होंने कहा था कि जिनको सुनकर कंठ भर आए और वाणी विलास जिनकी वाणी को सुनकर मधुरम हो जाए व्यक्ति, तानसेन थे। भगवान दास ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे और अकबर ने 5000 का मनसबदार इन्हें बनाया था। अकबर का हिंदू राजाओं के प्रति जो उदारवादी दृष्टिकोण था वो कहीं ना कहीं भगवान दास की वजह से था। कहा जाता है कि भगवान दास का हिंदुओं के प्रति उदारवादी रवैया अकबर ने, या जो संबंध बने थे वो संबंध, वो भगवान दास की वजह से बने थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के दरबार के राज कवि थे। टोडरमल ये अकबर के दीवान थे और राजस्व मंत्री रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करते थे। मानसिंह ये अकबर के मुख्य सेनापति हुआ करते थे और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था उसमें रणनीति मानसिंह के द्वारा ही बनाई गई थी। मुल्ला दो प्याजा ये अकबर का करीबी था, कोई विशेषता नहीं थी, खाने में दो प्याजा का बहुत ज़्यादा शौकीन होने की वजह से और अकबर का करीबी होने की वजह से ये नवरत्नों में बैठ जाता था, बाकी कोई विशेषता नहीं थी।
सेम एज इट इज। हाकिम हुकाम जो थे वो हुमायूं के समय आए थे, और चूंकि सीनियर होने की वजह से और अकबर से सीनियर होने की वजह से शुरू से ही इनके टच में थे, तो अकबर को सलाह दिया करते थे हाकिम हुकाम। तो ये भी नवरत्न के एक पार्ट थे, अकबर के दरबार में बैठा करते थे। तो देखिए ये वो एक शॉर्ट ट्रिक है, बात बात पे MDH, बात बात पे MDH, बीरबल, अबुल फजल तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा और हाकिम हुकाम। तो मेरे विद्यार्थियों के कहने पर प्रथम प्रश्न पत्र की, क्योंकि मैंने भी बेरोजगारी में प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ा है, तो मेरे विद्यार्थी अगर चाह रहे हैं तो मैं उनके लिए YouTube पर ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान के विद्यार्थियों का ज़्यादा अनुनय विनय था कि इसके लिए कि वो फर्स्ट पेपर राजस्थान में आता है, 200 नंबर का आता है। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी फर्स्ट पेपर के अंदर ही ज़्यादा मार्क्स खाते हैं, सेकंड पेपर के अंदर हमारे पास से पढ़े हुए बहुत से विद्यार्थी 260 में से 230 से 240 स्कोर कर गए हैं पिछली दो भर्तियों के अंदर। अब मैं फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनको कराता रहूंगा। आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको अधिकतम शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग, एक व्यक्ति 10 लोगों की जिम्मेदारी ले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।